इस वक्त मेरे साथ बड़े जबरदस्त मेहमान मौजूद हैं क्योंकि अब वक्त हो गया हीरो पाकिस्तानी सेगमेंट का, वेट लिफ्टिंग का मैदान हो या फिर इंटरनेशनल फाइट का। वैसे तो हमारे पुलिस के जवान अक्सर अपनी कारकर्दगी की दुनिया को मुतासर करते रहते हैं, मगर आज हम आपको मिलवाने वाले एक ऐसे सिंध पुलिस के जवान से जिन्होंने मार्शल आर्ट्स में अपनी मुनफरद सलाहियतों से भारतीय रिकॉर्ड को तोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बना लिया है। मुश्तबा हसन ने एक मिनट में 118 वॉलनट्स तोड़ने का मुनफरद रिकॉर्ड बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर पाकिस्तान के नाम किया है। और इससे पहले 108 टन चाकू से वॉलनट तोड़ने का रिकॉर्ड भारत के पास था। तो मार्शल आर्ट्स का आगाज़ उन्होंने 13 साल की उम्र में किया, नेशनल लेवल हो या इंटरनेशनल। मुश्तबा हसन अब तक मार्शल आर्ट्स मुकाबलों में दर्जनों मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। इन दिनों वो सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा, जितनी बातें मैंने कही हैं सारी सही हैं? जी हाँ बिल्कुल। ज़बरदस्त हो गया। आप मुझे ये बताइएगा कि मैं तब से देख रही हूँ माशाल्लाह आपके पास गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने नाम दर्ज करवाया है, मेडल आपके गले में भी हैं, मेडल्स यहाँ भी हैं, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी हैं, तो ये कब से आप कर रहे हैं? ये मुझे तकरीबन 16 ईयर्स हो चुके हैं मार्शल आर्ट से वाबस्ता, और जो है ये सारा वही मेरा जर्नी है जो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो हमारे तमाम मेडल्स और सर्टिफिकेट्स हैं उनमें हमारी जो इनके लिए एफर्ट्स और मेहनत होती हैं वो इसमें लिखी भी नहीं होती हैं, और जो है सर्टिफिकेट सारे आपके सामने हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई एक दफ़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लेता है ना, फिर वो ये देखता रहता है कि ये रिकॉर्ड मेरा किसी और के पास गया है तो मैंने इसको जल्दी से वापस लेना है। तो ये एक मुस्तकिल एक एफर्ट है जो इंसान ज़ाहिर करता रहता है। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है वॉलनट्स को तोड़ने का, और यही क्यों वॉलनट्स ही क्यों? असल में मैं ननचक्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था शुरू से, तो जब मैंने ये रिकॉर्ड चूज़ की रिकॉर्ड देखा तो ये चाइना के पास था रिकॉर्ड, और मैं ननचक्स जो है अच्छा चलाता था अपने क्लब में, तो मैंने जो है अपने सर से जो है इस चीज़ को डिस्कस किया कि मैं इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने प्रैक्टिस शुरू की। इस वक्त रिकॉर्ड चाइना के पास था 49 वॉलनट्स के साथ। अच्छा अच्छा, रिकॉर्ड ऐसा है कि उसमें वॉलनट को एयर में फ्लाई करके हिट करना है, और फ्लाई एयर में ही हिट होना चाहिए उसे, और ब्रेक होना लाजमी है उसका। तो इस किस्म की बहुत सी शराइत होती हैं, उनमें से एक ये भी शामिल थी, और 60 सेकेंड का रिकॉर्ड था। तो मैं उस रिकॉर्ड को अटैम्प करने लाहौर में हमने अटैम्प किया था, जिसके लिए तकरीबन 1.5 से 2 साल मैंने ट्रेनिंग की थी, और फिर वहाँ पर रिकॉर्ड जो है ना, क्योंकि टेक्निकल रीज़न है गिनीज अखरोटों की, तो फिर बोरियाँ मंगवानी पड़ती होंगी। जी हाँ, काफ़ी प्रैक्टिस की इसके लिए। तो जब हमने वहाँ अटैम्प्ट किया तो टेक्निकल रीजंस की वजह से रिकॉर्ड मेरा फेल हो गया था, और थोड़ा मैं डिसार्ड हुआ, लेकिन मैंने दोबारा जो है ना ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, और तब तक रिकॉर्ड जब मैंने दोबारा अटैम्प्ट किया तो ये रिकॉर्ड USA के पास जा चुका था, सैमुअल स्पार्गे के पास 62 वॉलनट्स के साथ। और फिर जब मैंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया तो मैंने उसको 97 के साथ किया, और फर्स्ट टाइम जो है मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना था। और अच्छा, मैं ये देखती हूँ कि हमारे पास ज़्यादा टैलेंट की तो कमी नहीं है, बहुत सारे नौजवान हैं जो माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में नाम बना रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक कैसे जाना है? कुछ लोगों को बिल्कुल इस हवाले से ना कोई गाइडेंस उनके पास नहीं होती है, तो यहाँ तक आ नहीं सकते। थोड़ा गाइड करेंगे आप नौजवानों को जो चाहते हैं कि वो किसी न किसी फील्ड में अपना रिकॉर्ड बनाएं? बिल्कुल कर सकते हैं, आजकल सोशल मीडिया है, इतनी गाइडेंस है। बहुत सी चीज़ों में हमें अब भी मुश्किल होती है, और इन तमाम चीज़ों में हमारी एकेडमी जो है उन्होंने सपोर्ट किया हमें, क्योंकि एक पूरी टीम वर्क करती है जो गिनीज की तमाम तर जो है कोऑर्डिनेशन है, जो भी रिकॉर्ड हम अटैम्प्ट करना चाहते हैं और उस रिकॉर्ड को अप्रूव कैसे करवाते हैं, ये पूरी टीम वर्क काम करती है, और इस पर मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ कि मुश्तबा MBA भी है, मतलब पढ़ाई भी इन्होंने नहीं छोड़ी, और 14 ईयर्स की एज से ये माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, और मार्शल आर्ट्स आपके सामने इनके विजुअल्स भी आ रहे हैं जिससे खेलते हैं, उसके बाद वॉलनट को स्मैश करने का मिशन, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके पास है, और सिंध पुलिस में सर्व भी कर रहे हैं, तो ये पैशन इनका इससे मालूम हो रहा है जब ये इतना कुछ एक साथ लेकर चले हैं, और किस तरह इन्होंने मेहनत की होगी। मुझे बताइएगा किसी वक्त में जो कि आपको फील हुआ हो कि यार बड़ा मुश्किल हो रहा है, और आज आप जब उस वक्त को याद करते हो तो सोचते हो कि देखो मैं गुजर गया उस वक्त से। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ में, जो आगे जब चैलेंजेस आते हैं आप भी लाइफ में, तो मैं उन्हीं को सोचता हूँ और उन्हीं से मोटिवेट होता हूँ कि मैं स्टडी में भी ऐसा हुआ कि बीच में मेरा गैप आ गया था, मैं उसे मुझे लग रहा था कि शायद मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा,
इंटर के दौरान की बात है, तो मैंने उसके लिए मेरे बहुत से 2-3 दफ़ा सप्लीमेंट्री हो चुके हैं। अच्छा, इंटर में तो मुझे नहीं लग रहा था मैं दोबारा कंटिन्यू कर पाऊँगा, और लेकिन मैंने उसको फिर कंटिन्यू किया और मैंने उसको क्लियर कर लिया। और जो है इसके साथ साथ जो है फिर मुझे स्कॉलरशिप भी ऑफ़र हो गई थी कैसपिट यूनिवर्सिटी से, मैंने उसको अवेल किया। और फिर इसी तरह मैंने फिर MBA किया, MBA भी मैंने स्कॉलरशिप पर अप्लाई किया था और मैंने उसको भी अवेल किया, और मुझे कैसपिट यूनिवर्सिटी ने भी यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र किया था। और अच्छा, अभी जब आप सिंध पुलिस में सर्व कर रहे हैं, डिपार्टमेंट कितना सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल, एडिशनल IG साहब ने इस पर जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, और सर्टिफिकेट भी इशू किया है, और इसी तरह IG साहब ने भी जो है काफ़ी अप्रिशिएट किया इस पर। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मैं अपना जो है गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड वॉलनट स्मैशिंग का, मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के पास रहे ज़्यादा से ज़्यादा अरसा, और मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा मुश्तबा आप मुझे बताइएगा कि किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, कितना टाइम प्रैक्टिस करते हैं, मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कितना टाइम करते हैं, तो मतलब आपका रूटीन लाइफ क्या है? ज़्यादा ड्यूटी पे भी जाना होता होगा। जी जी बिल्कुल। तो किस तरह करते हैं ड्यूटी? असल में जिस वक्त हम किसी टारगेट के लिए मुस्तकिल मेहनत करते हैं तो हमें 2 से 3 घंटे एटलीस्ट देने होते हैं अपनी ट्रेनिंग को। तो जब जब मैंने इन टाइटल्स के लिए मेहनत की है तो मैंने काफ़ी वक्त दिया है, अपना टाइम दिया है। इसके अलावा हमारा पेपर वर्क और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, वो इसके अलावा हैं। तो ड्यूटी के साथ ट्रेनिंग करना काफ़ी चैलेंजिंग है, मुश्किल है, और अपनी दूसरी चीज़ों मसरूफियात को भी वक्त देना है और ट्रेनिंग को भी। तो ये है कि हम जैसे ही हमारा ऑफ होता है तो उसमें हम लोग 1 से 2 घंटे अपनी ट्रेनिंग के लिए या 1 घंटा निकालते हैं। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाज़ अवकात हमारी ट्रेनिंग ज़्यादातर ऐसा होता है कि मिस हो जाती है, लेकिन हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं वीकली। तो मुझे ये बताएगा कि अब इस हवाले से कौन सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली? कोई स्पॉन्सर आपके पास है जो कि मतलब आपकी मदद कर रहे हैं, या फिर सब सेल्फ फाइनेंस पे चल रहा है? पहले हमने तमाम चीज़ें सेल्फ फाइनेंस की फाइनेंस पे की हैं, और जैसे मैंने बताया हमारी एकेडमी ने उसमें सब कंट्रीब्यूशन किया था, और इसके अलावा साथ में हमारी सेल्फ फाइनेंस था। और अभी तो IG साहब से एक मुलाकात हुई थी, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी इंशाल्लाह कि मैं जो है रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए हमें थोड़ी फाइनेंशियली और मॉरली सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अभी नेक्स्ट क्या प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान फर्स्ट तो यही है कि मैं अपना रिकॉर्ड इम्प्रूव करना चाहता हूँ और मज़ीद वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगर मुझे सपोर्ट किया जाएगा तो मैं मज़ीद वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इंशाल्लाह पुलिस और सिंध पुलिस और पाकिस्तान के नाम कर सकता हूँ। तो जब मार्शल आर्ट्स के माशाल्लाह आप इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, तो क्या सिंध पुलिस ने जब किसी चोर डाकू की दुर्गत बनानी होती है तो क्या आपसे खिदमत ली जाती है कि आ जाए भाई मुश्तबा आपकी ज़रूरत है? जी बिल्कुल, बहुत से डिपार्टमेंट हैं, मुख्तलिफ टीम में काम करते हैं, तो हम लोग इस वक्त कराची पुलिस बॉडी वन कैमरा जो है वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताइएगा कि फैमिली ने कितना सपोर्ट किया है जब आपने आगाज़ किया, तो उस वक्त क्या उनका रिस्पांस था? किसने ज़्यादा आपको मतलब जाहिर है वो पुश किया कि नहीं हाँ करो? बिल्कुल, इसमें सबसे पहले मेरी मदर हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। आज भी जब हम किसी किस्म के डिसार्ड होते हैं, कोई मसला होता है, तो हमें वही सपोर्ट करती हैं। उनकी हौसला अफजाई हमारे लिए सबसे ज़्यादा बढ़कर होती है। और मेरे बड़े भाई हैं, एक्स आर्मी पर्सन हैं, तो वो उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है इसमें। तो अभी आप सिंगल हैं, शादी नहीं हुई? जी हाँ। चलिए, शर्मा भी गए हैं थोड़ा सा ना मुश्तबा। तो अभी इनकी शादी की बात करेंगे इनसे कि इन्हें लड़की कैसी पसंद है, ऑन एयर लड़कियों तक पैगाम भी चला जाएगा। तो मुश्तबा मुझे ये बताएगा आप शर्मा क्यों गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या मतलब सोचा है शादी आपकी फिर कब एक्सपेक्टेड है? वो इंशाल्लाह बहुत जल्द है जी। अच्छा, बहुत जल्द है, यानी घर वालों को आपने बता दिया कि मुझे ऐसी लड़की पसंद है तो आप देख लें जी? ऐसा ही है जी, उनकी पसंद की होगी, वालदा की। चले जी, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरह आप सिंध पुलिस में सर्व कर रहे हैं, तो आप मतलब कोचिंग का भी सोचते हैं? ज़ाहिर अगर आपके पास ये हुनर है या फिर आप इस लेवल का खेल रहे हैं तो आप सिखा भी सकते हैं, तो सोचा आपने पहले जॉब के साथ मुश्किल होगा? पहले हम स्कूल में स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम क्लासेस वगैरह दिया करते थे सर्विस में आने से पहले, तो इसके बाद जब से भी सर्विस में आए हैं तो भी मसरूफियत इतनी ज़्यादा हैं और जो है अलग से जो है इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, और ज़ाहिर है एज ए डिपार्टमेंट आपको कहीं दूसरी जगह अलाउ भी नहीं होता है कि आप कहीं और अपनी सर्विसेज दें। सही। तो हम तो इसमें आपको जो अपना ख्याल रखना पड़ता है प्रैक्टिस के साथ खाने पीने में, तो वो डाइट स्पेशल जो होती है वो आप लेते हैं? अक्सर जो है ड्यूटी और मसरूफियत की वजह से इतना ज़्यादा डाइट पे तवज्जो नहीं दे पाते, लेकिन जितना हो सकता है कोशिश करते हैं हेल्दी डाइट जो है वो इस्तेमाल करते हैं,
और बाकी लोगों को भी चाहिए कि हेल्दी डाइट और हेल्दी फूड जो है वो इस्तेमाल करें, जंक फूड वगैरह से अवॉइड ही करें। चले जी, मुज्तबा बहुत अच्छा लगा, आप इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करते रहें, रिकॉर्ड्स बनाते रहें, हम आपको बुलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।